आज हम कक्षा नौवीं विज्ञान विषय में अध्याय नौ बल तथा गति के नियम, इसका ये भाग दूसरा है। अपने पहले में पढ़ा हुआ था प्रथम नियम, अब हम पढ़ेंगे द्वितीय नियम, भी पढ़ लिया था हमने। उस पर आधारित कुछ उदाहरण हैं दैनिक जीवन में। F बराबर MA आपने देखा था पूर्व में, कि जब क्रिकेट के मैदान में जब क्रिकेटर गेंद को कैच करता है तो अपना हाथ पीछे की ओर खींचता है, यदि वो ऐसा नहीं करता है तो उसके हाथ में काफ़ी चोट लग सकती है। इसलिए ऐसा करना पड़ता है क्योंकि बल बराबर मात्रा गुणित त्वरण, तो उसका जो त्वरण है, जिसका जो वेग है, संवेग, उसको शून्य करना है, और संवेग परिवर्तन की दर यदि शून्य होगी तो बल का मान भी क्या होगा, कम। इसलिए हमें गेंद के वेग को शून्य करने में ज़्यादा समय लगाना है और संवेग परिवर्तन की दर जिससे क्या हो जाएगी, कम, और हथेलियों पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी, तो हाथों को चोट कम लगेगी। अब हम इस बल से संबंधित पाठ में एक बहुत अच्छा शब्द है घर्षण, घर्षण के बारे में पढ़ेंगे। घर्षण यह है कि जो किसी भी चलती हुई वस्तु को रोके, उसकी में बाधा उत्पन्न करे, वो घर्षण है। तो खुरदुरी सतह पर गतिमान किसी भी वस्तु पर लगने वाले गति विरोधी बल को, गति मतलब उसकी गति को रोके, उसको क्या बोलेंगे, घर्षण। अब ये घर्षण से लाभ होते हैं, आग उत्पन्न होती, आप माचिस से जब दिया सलाई बोलते हैं माचिस को, तो उसमें तीली को रगड़कर ही आप क्या करते हैं, घर्षण से उसमें आग उत्पन्न करते हैं। घर्षण के कारण ही रेलगाड़ी और अन्य वाहन चल पाते हैं, और यदि ये घर्षण नहीं होगा तो कोई भी वस्तु और पहिए फिसलकर कहीं भी जा सकते हैं। वाहनों को हम ब्रेक लगाकर घर्षण के द्वारा रोक सकते हैं, और घर्षण क्रिया के द्वारा ही हम पृथ्वी पर आसानी से चल सकते हैं। अच्छा, घर्षण से हानियाँ भी होती हैं, जैसे आपने देखा ना कोई मशीन है, मशीन लगातार चल रही है तो उसके जो पार्ट्स हैं, पुर्जे जो आपस में रगड़ खाते हैं, तो उनसे क्या होता है, कभी कभी ऊष्मा उत्पन्न होती है और उनसे जल्दी गर्म हो जाते हैं और ख़राब भी हो सकते हैं। घर्षण के कारण मशीनों के पुर्जों में टूट फूट होती है, घिसते रहते हैं, और घर्षण से मशीन की दक्षता भी कम हो जाती है, और कभी कभी हमें घर्षण बढ़ाना भी पड़ता है। घरों में ढाल में देखा होगा आपने, प्लेन समतल फर्श ना करकर उस पर कुछ खुरदुरा या लाइन डाल देते हैं ताकि घर्षण उत्पन्न हो जाए और वस्तुएं या कोई व्यक्ति उस पर एकदम से ना गिर पाए। चिकनी सतह जैसे बर्फ, तेल पर सूखी मिट्टी या बालू डालकर भी हम घर्षण को बढ़ा सकते हैं। जूतों के तले, आपने जूते देखे ना, नीचे डिजाइन बनी रहती है खांचेदार, और वाहनों के टायर भी खांचे बना दिए जाते हैं, चिकने नहीं बनाते हैं, ताकि उनका घर्षण क्या हो जाए, बढ़ जाए। अभी हमने देखा गति का प्रथम नियम और गति का द्वितीय नियम। अब गति का तृतीय नियम देखेंगे कि किसी भी क्रिया की बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जब भी देखा होगा कि कोई गोली, बंदूक से गोली लगाता है तो हम देखते हैं हाथ पीछे की ओर चला जाता है, गोली पर लगने वाले जो बल वो इस दिशा में लगा हुआ है, और यही गोली विपरीत दिशा में भी, गति का ये तृतीय नियम, किसी क्रिया की बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो आप देखते हो ना, जैसे ही गोली आगे बढ़ती है तो उसके विपरीत दिशा में इस बंदूक पर भी एक बराबर और विपरीत दिशा में एक बल लगता है। देखिए, दिशा विपरीत है और हमारा हाथ पीछे की ओर चला जाता है, तो क्रिया की क्या हुई, प्रतिक्रिया होती है। दैनिक जीवन में तृतीय नियम के बहुत सारे उदाहरण हैं, आप यहाँ देखिए, दूसरा उदाहरण है, नाविक जब आगे की ओर
कूदता है किनारे पर, तो हम देखते हैं कि नाव पीछे की ओर क्या करती है, गति करती है। यहाँ पर ये क्रिया की क्या होती है, प्रतिक्रिया। ये नाविक है आगे की ओर जा रहा है और ये जो नाव है ये उसके विपरीत दिशा में क्रिया करती है। तो हम देखते हैं ऐसे ही नाव का चलना भी एक प्रकार का ये क्रिया और प्रतिक्रिया, न्यूटन की गति का तृतीय नियम है। उसके बाद आता है संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम का अर्थ है कि किसी भी निकाय का संपूर्ण संवेग स्थिर होता है यदि उस पर हम कोई बाह्य बल न लगाएं। हम देखते हैं कि ये दो गेंदे हैं, एक का द्रव्यमान है m, ये a और एक है m b। हम देखते हैं कि इन दोनों में जब टक्कर होती है तो टक्कर के पहले इनका जो वेग है वो है u, क्या है u, और उसके टक्कर के बाद उनका जो वेग रहता है वो बदल जाता है। तो टक्कर के पश्चात और टक्कर के पहले इनका संपूर्ण संवेग है वो स्थिर रहेगा यदि हम इस पर कोई भी बाह्य बल ना लगाएं। यह है संवेग संरक्षण का नियम। तो ये गति का जो इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है वो गति का तृतीय नियम आपको उदाहरण सहित बताना है। और किसी वस्तु का जड़त्व, शुरू में हमने पढ़ाया था आपको जड़त्व इसके पहले भाग में, वो किस पर निर्भर करता है आपको मालूम है, द्रव्यमान ही जड़त्व का निर्धारित करता है। जिसका ज़्यादा द्रव्यमान होगा उसका जड़त्व भी ज़्यादा होगा। धन्यवाद।